जय श्री राम, राम राम। नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार शिक्षक बहाली सातवें चरण सीटेट बीटेट एसटेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं, आज की बड़ी खबर पर बातें करने वाले हैं, अभी अभी की बड़ी खबर पर। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, सीटेट बीटेट एसटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए, सातवें चरण सीटेट बीटेट एसटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले सीटेट बीटेट की खबरें पर बातें कर लेते हैं जो अभी अभी खबर निकलकर सामने आई है। तो आज अभ्यर्थी सातवें चरण विज्ञापन की मांग कर रहे थे, सीटेट बीटेट एसटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी। तो सबसे पहले सीटेट बीटेट के बारे में जो जानकारी मिली है उस अनुसार से बातें कर लेते हैं। तो उसके बाद यह खबरें निकलकर सामने आई कि अभ्यर्थी कुछ अभ्यर्थी मिलने गए थे सचिवालय में, तो यह बातें निकलकर सामने आई थी, लेकिन बाद में यह खबरें निकलकर सामने आ रही है कि अभ्यर्थी को निराशा ही हाथ लगी है, कुछ खास नहीं हो सका आज। और अभ्यर्थी यह मानते हैं कि कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि जो 5 घंटे इतने समय अभ्यर्थी को नुकसान हुए हैं, कुछ खास नहीं हो सका है। और आज यह खबर थी कि जो बिहार के उप मुख्यमंत्री जी हैं तेजस्वी यादव जी हैं, जो 10 लाख नौकरी की बातें किए थे, तो हो सकता है कि अभ्यर्थी से मिले, शिक्षक अभ्यर्थी से, सीटेट बीटेट अभ्यर्थी से, इसके अलावा एसटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका, यह बातें निकलकर सामने आई हैं जिस तरह से अभ्यर्थी निराश हैं। तो अब आगे बात कर लेते हैं, तो अभ्यर्थियों को उम्मीद रखनी चाहिए अब तेजस्वी यादव जी का सहारा, अर्थात बिहार के मुख्यमंत्री जी का सहारा और बिहार के उप मुख्यमंत्री जी का सहारा। तो ये बातें हैं। तो अभी भी जो 10 लाख नौकरी रोजगार की बातें तेजस्वी यादव जी द्वारा भी की गई, 10 लाख नौकरी की बातें, और बिहार के मुख्यमंत्री जी द्वारा भी यह बातें की गई, 20 लाख नौकरी रोजगार की बातें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। तो आप लोग को अभी भी उम्मीद रखनी चाहिए, तेजस्वी यादव जी का सहारा, बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का सहारा, तो ये आप लोग अभी भी उम्मीद रख सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे आप लोग कि मुख्यमंत्री जी द्वारा खुशखबरी देर से ही सही, पर तो बात यह है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा उस समय में यह बातें नहीं की गई थी, जो चुनाव के समय की बातें करें तो उस समय में भी नौकरी की बातें नहीं किए थे, जबकि बीजेपी और राजद हो, महागठबंधन हो, सभी के द्वारा बातें की जाती थी कि नौकरी रोजगार के बारे में, लेकिन नीतीश कुमार जी द्वारा उस समय में बातें स्पष्ट नहीं की जाती थी कि कितने नौकरी रोजगार दिए जाएंगे, कितना लक्ष्य है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि देर से ही सही, लेकिन 20 लाख नौकरी रोजगार के बारे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा भी बातें की जाने लगी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। तो यही बातें हैं, तो देर से ही सही, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों को खुशखबरी जरूर मिलने वाली है मुख्यमंत्री जी द्वारा और बिहार के उप मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो यह आशा आप लोग रख सकते हैं, सीटेट बीटेट एसटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी तो आगे भी बातें करने वाले हैं, एसटेट सभी संपूर्ण बहाली की बातें जो निकलकर सामने आई, अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं एसटेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी की संपूर्ण बहाली हो, 12 मार्च 2021 को नौकरी पक्की, तो नौकरी पक्की ही हो, अभी भी नौकरी पक्की हो, कच्ची कैसे हो सकती है जब नौकरी पक्की वित्त मंत्री जी जो अभी हैं द्वारा आश्वासन दिया गया था नौकरी पक्की का, जो उस समय में शिक्षा मंत्री जी थे और अपर मुख्य सचिव जी उस समय में जो थे वो भी स्पष्ट किए थे नौकरी पक्की के बारे में, तो नौकरी पक्की होनी ही चाहिए। तो यही बातें हैं, और पिछले वीडियो में ही बातें की हैं, नौकरी पक्की बिल्कुल ही संभव है, सभी एसटेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का, जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, 50,000 लगभग बहाली होती है माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी के, तो उसी में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी। कंप्यूटर साइंस विषय और सोशल साइंस विषय में विशेष प्रावधान, और इसके तहत कंप्यूटर साइंस विषय में और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हों, विद्यालयों की संख्या के अनुसार सृजित एवं स्वीकृत हों, और 8,000 से अधिक पद बिल्कुल ही आ सकते हैं, 8,500 से भी अधिक पद आ सकते हैं, और सोशल साइंस विषय में भी पद हैं 10,479 पद, और यह संख्या और भी बढ़ सकती है, रिटायर्ड भी हुए हैं, तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की बिल्कुल ही संभव है। तो आगे बात कर रहे हैं, तो जो भी अभ्यर्थी हैं उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं, आप लोग देख रहे होंगे वित्त मंत्री ने कर दी पुष्टि, तो पिछले वीडियो में जो खबरें निकलकर सामने आई थी इस पर बातें भी किए थे, तो वीडियो के माध्यम से खबरें आ रही है कि 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी, तो वित्त मंत्री जी चाह रहे हैं 1.25 लाख नियुक्ति हो, तो ऐसे में स्टेट माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 50,000 करीब पद पर बहाली देखने को मिल सकती है, यदि सरकार का प्रयास हो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो तो बिल्कुल ही संभव है। इसके अलावा जो भी हैं तो ये प्राइमरी में भी आ सकती हैं,
इसके अलावा जितने भी पद हैं तो काफ़ी पदों पर बहाली हो सकती है, वित्त मंत्री जी जो पुष्टि किए हैं। तो सभी अभ्यर्थियों को एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए, रिक्तियों की संख्या बढ़े और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हों। मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट लिस्ट अभ्यर्थियों को एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है, और साथ साथ जो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं, उन्हें भी प्रयास करने की जरूरत है कि सातवें चरण का विज्ञापन जारी हो और सभी का हो, 1 से 12 तक का एक साथ हो, उच्च माध्यमिक स्तर तक का विज्ञापन जारी हो एक साथ। तो ये अभ्यर्थी की मांग होनी चाहिए, एकजुट होकर मांग करेंगे तो बिल्कुल ही संभव है। अब आगे बात कर लेते हैं, आप लोग देख रहे होंगे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के पद होंगे एक समान, तो आज की खबरें निकल कर सामने है, तो एक समान तो अर्थात सभी विद्यालय में जितने भी उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं तो ये सब में पद एक समान होंगे, जितने शिक्षक की संख्या समान होंगे। तो ये बातें हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 6 माध्यमिक शिक्षक की बात करें तो 6 शिक्षक, जैसे कि हो गया गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, तो इस टाइप की जो भी 6 विषय हैं, और द्वितीय भाषा भी से हैं गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, द्वितीय भाषा में हो गए संस्कृत उर्दू, तो ये सब बातें हैं। तो आगे भी बातें करने वाले हैं, तो जितने भी विषय हैं सामाजिक विज्ञान हैं तो 6 विषय की बातें हैं, ऐसे में बातें भी किए हैं। तो इसके अलावा जो है उच्च माध्यमिक स्तर में भी समान शिक्षक तो ये सब हों, और इसके लिए इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं न्यूनतम आवश्यकता का आकलन की भी बातें निकल कर सामने आई है पाठ्यक्रम के अनुरूप। तो कंप्यूटर साइंस विषय के भी शिक्षक होने चाहिए सभी विद्यालय में, तो इस अनुसार से काफ़ी पद आ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस विषय में भी क्वालिफाइड की संख्या अभी अधिक है, तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे, इसके अलावा अन्य जॉब भी मिल जाते हैं, तो इस तरह से नौकरी पक्की हो सकती है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं छात्र शिक्षक अनुपात की भी बातें निकल कर सामने आई कि छात्र और शिक्षक का अनुपात भी होना चाहिए, तो ये सभी खबरें हैं। तो अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं, स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी, कि सातवें चरण का विज्ञापन भी जारी हो, साथ साथ संपूर्ण बहाली की भी बातें कर रहे हैं। मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट लिस्ट में जो सरकार द्वारा 3 महीने के बाद बांट दिया गया, और अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं, अब एकजुट होने की भी प्रयास कर रहे हैं, जिससे सातवें चरण का विज्ञापन भी जारी हो। वैसे आप लोग देख चुके हैं कि अभ्यर्थी अलग अलग प्रयास कर रहे थे, 2 साल करीब हो जाएंगे, तो लगातार मार्च में 2 साल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक विज्ञापन सातवें चरण का नहीं जारी हो सका है। तो अभ्यर्थियों को एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है। तो शिक्षा संबंधी तमाम जानकारी के लिए